डीएसपी बन गए हैं, क्या करना है आगे? मींस कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये मैं सवाल करूंगी, तो करना क्या है आपको देश के लिए, हमारे बिहार के लिए कुछ अच्छा करना है, या फिर जैसे सब करप्ट लोग हैं तो आप कुछ सोच कर चले होंगे कि नहीं नहीं हमको जनता के लिए काम करना है, खुद के लिए काम नहीं करना? मोबाइल कितना आपका फ्रेंड रहा है, कभी डिस्ट्रैक्ट किया है मोबाइल, व्हाट्सएप इंस्टा पे कभी मैसेज आया हाय रेनू कैसी हो? नहीं, इंस्टा तो मेरा, और हमको देखकर बच्चे इंस्पायर्ड हुए हैं कि जब आप इस उम्र में दौड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनकी खगौल से 3 बीपीएससी क्लियर किए हैं हमारे बिहार के युवा, पटना के युवा जो हमारे साथ है, इसका सेलिब्रेशन हो रहा है जनजीवन स्टेडियम दानापुर है ना जी, तो सबसे दानापुर खगौल, नाम पहले बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। आपका? मैं जया। जया, और आपका? मेरा रेनू कुमारी। रेनू कुमारी, कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, यहाँ पर भी लड़कियां बाजी मार गई हैं। डेफिनेटली, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है, लड़कियों को मौका मिला है और अच्छी बात है, बाजी मारी है इन्होंने, बाजी मारी है। अगर एक और लड़के होते और एक लड़की होती तो कैसा लगता आपको? अभी भी सही लग रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का समय है, तो मैं भी चाहता हूँ कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, इक्वालिटी आना चाहिए, तो इसके लिए ऐसा कोई इनके साथ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, मिलजुल के काम करना। तो अच्छा, मेरा सवाल ये है, जो और युवा बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, युवा मेहनत नहीं करते हैं? देखिए, ऐसा बात नहीं है कि युवा मेहनत नहीं करते, और बेरोजगारी के विषय पर बोला जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। अब गवर्नमेंट क्षेत्र में सभी को आने का मौका तो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और डाइवर्स फील्ड भी देखना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट आप लोग डीएसपी बने हैं, डायरेक्ट बने हैं, कितना मेहनत करना पड़ा? मेहनत तो करना ही पड़ता है, मेरा बहुत लंबा संघर्ष रहा है, मैं खुद भी बोला हूँ, तो वैल्यू एडिशन हर स्टेज पे होते गया, किसी को बहुत कम टाइम लगता है, किसी किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने तो बीपीएससी 63 में इंटरव्यू दिया था, वहाँ अंतिम रूप से नहीं चयनित हो पाया था, फिर 64 में क्लियर हो गया, तो फाइनली टाइम तो लगता है, आपको देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 7 घंटा का पढ़ाई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी मैटर्स नहीं करता, आप कितना पढ़ते हैं। डीएसपी बन गए हैं, क्या करना है आगे? मींस कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये मैं सवाल करूंगी, तो करना क्या है आपको देश के लिए, हमारे बिहार के लिए कुछ अच्छा करना है, या फिर जैसे सब करप्ट लोग हैं तो आप कुछ सोच कर चले होंगे कि नहीं नहीं हमको जनता के लिए काम करना है, खुद के लिए काम नहीं करना? डेफिनेटली है, करप्शन तो रूटेड है, अब इस पर कोई कमेंट तो नहीं किया जा सकता, मगर मैं एज ए इंडिविजुअल जितना भी वर्क कर सकता हूँ, सोशल कम्युनिटी पुलिसिंग में मैं विश्वास करता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, पुलिस का एक भय जो होता है सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक प्रभाव होना चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का पूरा कोशिश करूंगा, एक ऐसा एटमोसफेयर बनाया जाए ताकि वुमेन सेफ्टी भी रहे, उनका भी एम्पावरमेंट हो सके, तो एज अ पुलिस उपाधीक्षक जो भी कार्य मुझे मिलेगा मैं उसका निर्वहन करूंगा, जनता के लिए काम करेंगे। डेफिनेटली करूंगा, जनता के लिए। बताइए, किसको श्रेय देते हैं अपनी सफलता को का? पापा मम्मी को श्रेय देते हैं, बहन का बहुत साथ रहा है तो उनको भी श्रेय जाता है, फ्रेंड्स हैं जो मोटिवेट करते गए, तो सभी का एक एटमोसफेयर उस टाइप का है, सबका ही सहयोग रहा है। आप लोगों ने कहा कि हम दरोगा की तैयारी करते थे, मैंने एग्जाम दिया था तैयारी, तो देखिए आप जिस बीपीएससी का भी तैयारी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है, आप लगभग आपको सेम ही चीज़ पढ़ना होता है, तो मैंने एसआई का भी एग्जाम दिया है, प्री मेंस हुआ था मेरा, मगर मैं दौड़ने नहीं आया था, मेरे को लगा था कि उससे मैं 63 हो जाएगा, तो वो अपनी मतलब खुद की, यहाँ के प्रेमचंद अंकल का नाम लिया है कि कहीं ना कहीं उन्हें श्रेय जाता है, प्रेमचंद अंकल यहाँ आने का मुझे अवसर दिए, लोगों से इंटरेक्ट करने का, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप किसी को मोटिवेट कर पाएँ तो आपके लिए एक बहुत मतलब क्या बोलें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी को मोटिवेट कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्षण देना बहुत मुझे अच्छा लगा। हमारे साथ खगौल की शेरनी है तो सबसे पहले ये बताइए कि अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं?
डेफिनेटली पेरेंट्स को जाता है क्योंकि पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। बीइंग अ गर्ल घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसा था कि मेरे साथ मेरे भैया हैं, मेरे फॉर्म फिलअप करने का, बाहर का जितना काम होता था सारा वो हैंडल करते थे। घर के काम में मम्मी भाभी पापा सभी मतलब हाथ बटाते थे, तो घर का काम उस तरह से नहीं करती थी। बिल्कुल, लड़कियाँ एक्चुअली घर का काम में ही सिमट के रह जाती हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था, लकली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा फोकस टोटली स्टडी पे था और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हार्डवर्क कर रहे हैं और स्मार्ट वे में करें तो कम टाइम में भी सफलता मिल सकती है। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट है जी, बिल्कुल 64वीं बीपीएससी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें 121 रैंक आई मेरी और डीएसपी मिला। उसके बाद 65वीं बीपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ जिसमें बिहार एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट मिला है। और 66 बीपीएससी भी मेरा क्लियर हुआ है, ऐसा एग्जाम भी क्लियर हुआ है। तो अच्छा, ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कितना हार्ड वर्किंग करना पड़ा ताकि हमारे दर्शक या जो युवा देख रहे होंगे उन्हें मोटिवेट। देखिए, मेरा मानना है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करता कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम 6 से 8 घंटे ही पढ़े, लेकिन वो स्टडी बिल्कुल क्वालिटेटिव होना चाहिए। और इसके साथ ही अभी के टाइम पर सोशल मीडिया से मैं बहुत ही अलग रहती थी। इनफैक्ट मैं एक घर में रहते हुए, एक बिल्डिंग में रहते हुए मैं सेपरेट अलग फ्लैट लेके रहती थी, पेरेंट्स से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं था मेरा उतना। तो फोकस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना है और अपने स्टडी पे एकदम फोकस रहना है। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि नहीं नहीं किसी का दिमाग तेज होता है, हम 18 घंटे ही पढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई 8 घंटा पढ़ता है तो वो तेज निकल जाता है हम लोग से, तो इस पर क्या कहेंगी? एक मतलब कोट है, हार्डवर्क कैन बीट टैलेंट इफ़ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो आई थिंक कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हार्डवर्क के साथ आज क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी इंक्लूडेड है। क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे पास सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, अगर हम सबकी तरफ भागेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अपनी एनर्जी को एक ही सोर्स पे फोकस करने की अच्छा, ज़रूरत है। तो फ़ोन रखती होंगी? बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस करती थी। हाँ, तो कभी फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ये सब डिस्ट्रैक्शन का कारण कभी बना ऐसा लगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, नहीं नहीं उधर नहीं जाना, मुझे इधर जाना है? मैं जब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने डिलीट कर दिया, मेरा इंस्टा आईडी कभी रहा नहीं, और व्हाट्सअप मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया था जो कि सिर्फ मेरे घर तक ही था। तो मैं अपने प्रिपरेशन के फेज पे अपने फ्रेंड सर्कल से बिल्कुल ही दूर थी, मेरी स्टडी बिल्कुल कन्फाइन अपने खुद की रही है, ग्रुप स्टडी में भी मैं इन्वॉल्व नहीं हुई, तो काफ़ी आइसोलेटेड थी मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम। कितने साल से तैयारी कर रही हैं? 2018 से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी और 2018 से जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया तब तक मेरा ये एज इट इज़ मेरा रूटीन रहा था, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं, टोटली फोकस्ड ऑन माय स्टडीज़। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। अच्छा, क्या लगता है, कई बार लड़कियाँ ये भी कहती हैं कि शादी हो जाने के बाद सक्सेस नहीं मिलता है? देखिए, शादी होने के बाद ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उसके साथ टाइम मैनेज करके पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ग्रुप में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, फिर भी वो सफलता अर्जित करके हमारे साथ हैं। तो वही है कि अगर पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट है और मेहनत कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। आप बताइए कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए, आप लोग को सम्मानित किया गया है, तीनों हमारे डीएसपी भाइयों और बहनों को सम्मानित किया गया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, मतलब इतना बड़ा सम्मान अभी तक में नहीं मिला था। ये अचानक ये पहला है, अब बार बार मिलेगा है? हाँ, आगे भी मिलेगा ये है। कितना मेहनत करना पड़ता है सक्सेस हासिल करने के लिए? आप सोची थी कि आपको डीएसपी बनना है, बीपीएससी क्रैक करना है? बीपीएससी तो क्रैक करना मेरा टारगेट था, मतलब सिविल सर्विस में ही आना था शुरू से, तो यूपीएससी का प्रिपरेशन भी मैंने किया हुआ है, उसके लिए भी कोशिश कर रही हूँ, और अच्छा है बिहार पुलिस सर्विस मिला है तो मैं अपना पूरा योगदान दूंगी और अच्छा करूँगी, लोगों के लिए सोचूंगी कि उन्हीं को कर सकूँ भलाई। कितना घंटा पढ़ती थी ये बताइए? आप 7-8 घंटा पढ़ेंगे, कंसंट्रेट होके पढ़िएगा तो आप सफलता ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप टाइम को बढ़ा दें तो ज़्यादा, वैसा कुछ नहीं है, मतलब क्वालिटी बुक्स और रिविजन प्रैक्टिस ये सब होना चाहिए। स्कूल में मतलब रैंक आपका कितना रहता था, फर्स्ट या सेकेंड? रैंकर रही हूँ, टॉप 3 में हमेशा मेरा रैंक रहा है। रही है? हाँ, यानी कि टॉप 3 की बंदी। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि मोबाइल कितना आपका फ्रेंड रहा है? नहीं, कभी डिस्ट्रैक्ट किया है मोबाइल? यूज़ नहीं किया, बुक से पढ़ा है और जो भी सोर्स में नोट्स बनते थे उसके लिए ही बस मोबाइल यूज़ किया है, वेबसाइट वगैरह हो गया नोट्स बनाने के लिए। फालतू का व्हाट्सअप, इंस्टा पे कभी मैसेज आया हाय रेनू कैसी हो? नहीं, इंस्टा तो मेरा मतलब नहीं, अकाउंट मैंने प्रिपरेशन के टाइम नहीं बनाया हुआ था और अभी भी नहीं है, तो इसलिए नहीं। कभी कोई मैसेज वगैरह ध्यान ही नहीं किया है।
हाँ व्हाट्सएप थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कभी लड़के डिस्ट्रैक्ट किए हैं कि नहीं तुमको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे? ऐसा होता है जनरली? नहीं नहीं, आज के समय में जो लड़के लड़कियां एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते, कभी आपके सामने ये आया? और आप फ्रेंड्स भी मेरे ही फील्ड में, मतलब वो भी इसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रही है, तो हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड ही करती है हमेशा। हाँ, तो ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा है। कि आपका जो लक्ष्य था बस ये था कि मुझे ये हासिल करना है, कोई मेरे आगे नहीं आ सकता? नहीं। तो अब आगे क्या करना है, मतलब DSP बनकर वहाँ स्टॉप हो जाना है या फिर कुछ और पढ़ाई करना है? मतलब UPSC करना है मुझे आगे, उसका तैयारी चल रहा है। पापा का बहुत सपोर्ट रहा है और पापा ने बहुत सैक्रिफाइस भी किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। खाना बनाती है? नहीं, मम्मी मुझे खाना बनाने नहीं देती है, सारा खुद ही बनाती है। पढ़ो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, खाना नहीं बनाना है। पढ़ाई के अलावा कुछ और शौक है जैसे खेलने कूदने का, शॉपिंग करने का, घूमने का, ड्रेसिंग का कुछ? खेलने कूदने का है, मतलब बैडमिंटन हो गया, कैरम हो गया, ये सब मैं खेलती हूँ। स्पोर्ट्स और कुछ नहीं? नहीं, और कोई शौक नहीं, बस पढ़ाई और स्पोर्ट्स। रीडिंग करना, गार्डनिंग का मुझे थोड़ा बहुत शौक है, मतलब उसमें मुझे रुचि है। और हमारे साथ प्रेमचंद अंकल हैं और ये जनजीवन स्टेडियम में हर रोज 30 से 40 राउंड लगाते हैं ताकि बच्चे जब इन्हें देखे, इनका रिटायरमेंट का उम्र है, और इन्हें देखे तो प्रेरित हों। और बहुत बच्चे आपको श्रेय भी दे रहे हैं, चाहे राहुल हो गए या फिर और भी महिलाएँ हो गई, क्यों? बात है कि मेरा जीवन का ध्येय है कि जितने भी बच्चे हैं, हमको किसी बच्चे से किसी तरह का द्वेष नफरत नहीं है, हम अपने बच्चे लगते हैं। हम शुरू से स्पोर्ट्समैन रहे हैं और स्पोर्ट्समैन जहां भी जाते हैं लगता है कि मेरे परिवार के मेरे बच्चे हैं। और जब तक ईश्वर आदेश दे रहे हैं तब तक हम दौड़ते हैं, करते हैं, बच्चों लोग को जगाते हैं। यहाँ भी गरीब बच्चों को भी फ्री सेवा पढ़ाते रहते हैं कि उन्हें शिक्षा, मेन मेरा है कि जब तक समाज में सही रूप से शिक्षा का विकास नहीं होगा, हमारा समाज का विकास नहीं होगा। हमारे समाज में लड़ते झगड़ते रहेंगे, संकुचित विचारों में लोग पड़े रहेंगे। अगर सही शिक्षा मिल जाए तो सभी मिलजुल करके एक परिवार की तरह रहेंगे। हमने इसमें एकदम नियमित रूप से, मैं लॉकडाउन भी लगा था तो मैं रोड पर दौड़ते रहा कंटिन्यू, मैंने रुका नहीं। यहाँ तक कि प्रशासन भी मुझे रोकने की कोशिश किया, भाई मैंने तो अकेले दौड़ रहा हूँ, मैं तो भी आप तो खुद प्रशासन है, आप दारोगा हैं, आपको कौन रोक रहा था? ये तो एक ड्यूटी की बात है, जब हम दौड़ते हैं तो ड्यूटी नहीं ना कर रहे हैं। आज जिसका ड्यूटी था लॉकडाउन में कि रोड पर किसी को निकलने नहीं देना है, अभी आप दौड़ रहे थे? अभी आप दौड़ रहे थे। हम तो यहाँ से लखपर से दौड़ते बेली रोड, बेली रोड से सगुना मोड़, सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन होते फिर स्टेडियम पर आ जाते। फ्री टाइम में बच्चों को पढ़ाते हो, वो कितना सच है? ये मेरा जीवन का मूलभूत, मैंने कहिए कि मेरा सिद्धांत है कि हम शिक्षा जितना हो सके, जो भी मैं कुछ जानता हूँ कि बच्चों में बांटूँ। कारण कि हम देखते हैं कि मैट्रिक में IA BA में लोग पढ़ते हैं, कोई बेसिक शिक्षा नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं बहुत नीचे क्लास का भी नहीं जान पाते हैं, जोड़ घटाव भी नहीं आते, एक लेटर भी नहीं लिख सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बेसिक शिक्षा दूँ। अंकल इसको, इस पे आप क्या कहेंगे, किसको दोष देंगे, कौन दोषी है जो बच्चे इतने वीक होते जा रहे हैं? इसका दोषी हम किसको दोष दें? हमारे शिक्षा में भी हमारे गुरुजन जो हैं उन लोगों को भी चाहिए कि बच्चे को टेस्ट देंगे कौन कितना जानता है। अगर जो बच्चा बहुत इस क्लास लायक नहीं है तो उसको अलग से ट्यूटोरियल क्लास ले कर के उस ऊंचाई तक। स्टेडियम में कितने साल से आप दौड़ रहे हैं? लगभग 4 साल से दौड़ रहे हैं। यहाँ से स्टेडियम से हमारे जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं लगभग 60-70 बच्चे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं। कोई सिविल सेवा में गए हैं, कोई बच्चे दरोगा में हुए हैं, कोई पुलिस में हुए हैं, कोई RPF में, कोई आर्मी में, बहुत से लोग गए हैं। और हमको देखकर बच्चे इंस्पायर्ड हुए हैं कि जब आप इस उम्र में दौड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनकी प्रतिभा को मैंने जगाने का काम किया, मेरा यही एक छोटा सा सहयोग रहा है इन बच्चों के प्रति। दौड़िए, फिजिकली अगर स्ट्रांग रहेंगे तभी मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। कहने का मतलब है कि आप अगर आप विकास करना चाहते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप से, जब तक स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते।